हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपसे मेरी एक पर्सनल बात शेयर करने वाला हूं। हाल ही में श्रावण महीने के तहत मेरे परिवार के साथ महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं गया था। वहां पे दर्शन के लिए मैं लाइन में जैसे खड़ा था तो वहां पे मेरे साथ में एक दादा दादी जी खड़े थे। ऐसे ही प्राइमरीली इंट्रोडक्शन में हमने एक दूसरे से वार्तालाप की, तो मैंने पूछा सर आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ। और सेम क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया कि आप बच्चा कहाँ से है, तो मैंने कहा कि सर मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। जैसे ही उन्होंने गुजरात शब्द सुना तो दादाजी बोलने लगे कि भाई गुजरात तो पावन भूमि है, पुण्य भूमि है, गुजरात ने हमें ये दिया, गुजरात ने वो दिया। तो मुझे तो बड़ा इनकरेजिंग लगा था। मैंने बोला दादाजी रुकिए, मैं आप कई बात रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, करो आप। तो मैंने उनकी बात रिकॉर्ड किए, यहाँ पे आप सबके लिए मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ये सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, हम सब मिलके यहाँ पे आए हुए हैं। हो और जो गुजरात के लोगों में प्रेम भावना है वो भारतवर्ष में कहीं भी नहीं मिलेगी जो गुजरात प्रांत के लोगों में है। धन्य गुजरात प्रांत को जो ऐसे हमारे माननीय महामाननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिया और जो आज भारत के लिए स्वर्णमय भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, वो कल्पना करके साकार करने में रात दिन लगे हुए हैं। करीब करीब ऐसा पता सुनने में टीवी में देखते हैं, माननीय मोदी जी 22 घंटे तक जनता के लिए अपना जो है योगदान दे रहे हैं। बस यही कह के मैं धन्यवाद, धन्य है गुजरात की जनता के लिए, बड़ा प्रेम भाव है गुजरात के लोगों में। बहुत 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 धन्यवाद दादाजी। आई एम श्योर आप सभी को दादाजी की बात बड़ी एनकरेजिंग लगी होगी। ये बड़ा फख्र और गर्व की बात है। 6.5 करोड़ गुजरात की जनता और 138 करोड़ भारत की जनता के लिए कि अब हमारा देश एक सच्चे भक्त और ईमानदार व्यक्ति के हाथ में है। अब पूरा देश सुरक्षित महसूस करने लगा है और दुनिया भी हमें एक कद्र से देखने लगा है। बस यही एक संदेश के साथ मैं भास्कर आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।